जानसु सुबह घर लौटती है, शायका की बेइज्जती के बाद अब घर लौट रही है। इतनी देर कहाँ थी? एनीवेज, मकान मालिक ने घर से निकाल दिया क्योंकि किराया नहीं दिया उसने। पागल लड़की एक मैरिड आदमी के लिए यहाँ दर दर के ठोकरे खा रही है। शायका काया से आलिया का पूछती है। काया कहता है कि मैं उससे बदला नहीं ले सकता क्योंकि वो अब भी मेरे लिए फीलिंग्स रखती है। शायका कहती है कि ओ तो उसने आपको उल्लू बना ही दिया, वो कल तक हसन के लिए फीलिंग्स रखती थी। वैसे आप लोग क्या साथ हो? काया कहता है फिलहाल नहीं। शायका पूछती है फिलहाल नहीं मतलब आगे हो सकता है? देखिए यही सही वक्त है उसको चोट पहुँचाने का, सोच लीजिए। अभी कुंवर और आमिर ज़ायरा के पास पहुँचते हैं और आमिर कहता है कि हमें तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। कोई भी ये अचानक सुनेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, वैसे ही ज़ायरा करती है। कुंवर क्लियर करते हैं कि आमिर का बचपन का प्यार यानी उसको चाहने वाली के साथ उसकी अम्मी ने शादी तय कर दी और वो लड़की मोटी है और उसे आमिर पसंद नहीं करता। ज़ायरा को बस उसे डराना है एज आमिर की गर्लफ्रेंड। ज़ायरा मान जाती है, उल्टा और मसाले के लिए वो कहती है कि कुंवर मेरा खड़ूस भाई बनेगा जिससे उस लड़की को और डर लगेगा। कुंवर ऑकवर्डली मान जाता है। सादिक हसन को इत्तला करता है कि कुर्बानी के लिए जानवर आ गए हैं। हसन पूछते हैं यिल्दिज़ और जुनैद नहीं आएंगे क्या? सादिक कहता है कि वो लोग नहीं आएंगे क्योंकि वो इन सब के खिलाफ है। हसन कहता है कि क्यों खिलाफ है, ये तो हमारा ट्रेडिशन है। एनीवेज ज़ायरा आमिर कुंवर बाहर निकलते हैं और वो लोग ज़ायरा से पूछते हैं कि ये जानवर क्यों है यहाँ। ज़ायरा को जो पता है वो कहती है कि उनको कुर्बानी के लिए ऐसे खच खच करके काटा जाएगा। कुंवर पूछता है क्यों? ज़ायरा कहते हैं यिल्दिज़ प्रेगनेंट है। कुंवर तो नहीं जानता, वो हैरान होता है तो आमिर उसे कहता है कि बाद में बताऊंगा। उन भेड़ों में से बेचारा एक छोटा भेड़ था जिस पर ज़ायरा को दया आ जाता है। आमिर कहते हैं कि इसको भी कल हसन कबाब बना के खाएगा। ज़ायरा गुस्से से देखती है उसे। आमिर कहता है क्या हसन को नहीं देखा, मॉन्स्टर सा है। ज़ायरा कहती है ऐसी बात नहीं है, इनका ट्रेडिशन है इसलिए। एनीवेज वो लोग गाड़ी लेके जाते हैं तो एक पड़ोसी उन्हें रोक के पूछती है कि आपके घर में इतने सारे भेड़ क्यों है? ज़ायरा कहती है कि हसन उन्हें कल ऐसे खच खच करके काटेगा। वो औरत उनके जाने के बाद गुस्सा करती है। फिर हसन और सादिक बाहर आकर जानवरों को देखते हैं। हसन उस छोटे भेड़ को देख के कहते हैं कि इसको कुर्बान करना सही नहीं होगा, इसे छोड़ देना। जब वो लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं वहीं पड़ोसन उनके गाड़ी पर पत्थर से हमला करती है। सादिक हसन को बचाने के लिए उसका सर गाड़ी की सीट पर घुसेड़ देता है। बेचारा सांस नहीं ले पाता, हसन तड़पने लगता है। सादिक को लगा कि कोई गन फायर कर रहा है इसलिए ऐसे बचा रहा है हसन को। अरे सादिक, सर को ऐसे ढकेलने से हसन को गोली लगे ना लगे सांस बंद होकर ऊपर चला जाएगा। फाइनली हसन को छोड़ता है। हसन कहते हैं कि शायका ने हायर किया है क्या तुम्हें? सादिक कहते हैं नहीं सर, वो औरत हमला कर रही है। हसन कहते हैं तुम्हें गाली दे रही है क्या? सादिक कहते हैं आपको दे रही है, भेड़ों की बात कर रही है। हसन को समझ नहीं आता तो वो लोग सोचते हैं कि भेड़ों के स्मेल से परेशान होगी। दरअसल वो इसलिए नाराज़ है क्योंकि हसन कुर्बानी देगा इसलिए। उनके जाने के बाद वो औरत किसी को कॉल करके ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करने कहती है। यहाँ जानवरों का कत्लेआम होगा, जल्दी बुलाओ सबको। एनीवेज काया आता है आलिया के पास और कल रात का जिक्र करता है। आलिया कहती है तुम्हें उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। काया कहता है क्यों? आलिया कहती है कि शायद तुम कहोगे कि तुम्हें पछतावा है और आज से मिलने से मना करोगे। काया कहता है नहीं, मैं तो आज डिनर पर ले जाऊँगा तुम्हें। आलिया पूछती है कि अब से माजी भूल जाएंगे हम? काया कहता है हाँ। आलिया खुश होती है। यिल्दिज़ क्लिनिक जाती है USG करवाने। डॉक्टर से कहती है कि किसी भी तरह मुझे प्रेग्नेंट करवाओ। डॉक्टर स्क्रीन देखती है तअज्जुब होके। यिल्दिज़ डर जाती है कि क्या हुआ। डॉक्टर कहती है तुम तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो यिल्दिज़। शायका हयाती से अपने सारे ज्ञान है जो हसन ने दिए थे सब मंगाती है और कहती है कि हसन को ये सब वापस करूँगी क्योंकि मुझे दिखाना है कि मैं पैसों के पीछे नहीं हूँ। हाँ, जैसे हसन तो एकदम से मान जाएगा और भूल जाएगा कैसे तुमने उसे शादी करके उसके आधे जायदाद के पीछे पड़ गई थी। एनीवे शायका हसन को वापस करती है ये कह के कि मैं ये गहने नहीं रख सकती, स्पेशली जब मुझे मेरा सबका शौहर चाहता ही नहीं है। हसन कहते हैं कि मैं कभी गिफ्ट्स वापस नहीं लेता। शायका फिर भी इसरार करती है। हसन कहते हैं हमारी शादी को मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता, यानी काले धब्बे के माफिक याद रखूंगा। शायका कहती है कि मेरे बिना लाइफ तो होगी पर मज़ेदार लाइफ नहीं होगी। हसन पूछता है कि शायका आपको कभी किसी के इंसल्ट से शर्मिंदगी नहीं होती? सही कहा हसन ने, बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होती शायका को, चाहे लाख बुरा बोल दे कोई। पर हाँ, ये कुछ चंद पल है शायका के ज़िंदगी के, फिर तो उसके बिना ही सबको ज़िंदगी गुजारनी होगी मज़े से। ओ सॉरी, यानी मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए, ऐसा नहीं है, बट यानी छोड़ो। आखिर में शायका को हसन तोहफा दे ही देता है। शायका ले जाती है क्योंकि उसे भी पता था कि ऐसा ही होगा, बस हसन के सामने अच्छा बनने के लिए ये नाटक किया। जाते हुए उमर उसे देखता है और उसे याद दिलाता है आज के डिनर का। देखो इतनी ढीठ है, बेचारे इस आदमी को जाने का रास्ता भी नहीं देती। एनीवेज चंद पलों की मेहमान है तो बनता है। ज़ायरा आमिर को और वेट करते हैं उस लड़की के लिए रेस्टोरेंट में। तभी एक स्लिम ट्रिम लड़की आती है जिसे देख के आमिर सोचता है कि काश ऐसी लड़की पल्ले पड़ती मेरे। जैसे कि मैंने सोचा था कि वो लड़की अब तक ज़रूर पतली हो गई होगी, तो वही हुआ। यही है आमिर का बचपन का प्यार, यानी वो बदल चुकी है और आमिर का मन भी। वो आके मिलती है उनसे और कहती है आमिर से कि मैं नेचला हूँ, यानी उसका नाम नेचला है। आमिर हैरान, दोनों बचपन की बातें करते हैं। ज़ायरा उस लड़की को कहती है मैं और आमिर मंगेतर है और उस लड़की को इंसल्ट कर देती है।
नेजला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आमिर उसे मनाने जाता है और गलती से असली बात बता देता है कि मुझे लगा कि तुम मोटी हो अब भी, इसलिए इन लोगों को मैंने नाटक करने कहा। नेजला समझ जाती है आमिर के दोगलेपन के बारे में। आमिर बात घुमाता है पर वो लड़की उसके सर पे बैग मार के चली जाती है। ज़ारा प्राउड होती है अपने एक्टिंग स्किल्स पे और आमिर कुंवर उसे कोसते है कि और आमिर कुंवर उसे कोसते है क्योंकि वो लोग इशारा कर रहे थे कब से ज़ारा को नाटक बंद करने के लिए, लेकिन वो सुनी नहीं रही थी। एनीवेज लड़की तो गई। यिल्दिज़ जाके आसमा को बताती है उसके असली प्रेगनेंसी का। आसमा यकीन नहीं करती, बहुत खुश होती है। हाँ चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता दो फरीदा को, आहिस्ता बात करो यार, फरीदा है आसपास। यिल्दिज़ फरीदा को अब सबक सिखाना चाहती है क्योंकि उसने उनके साथ गेम खेला था। प्लीज़ एक और बखेड़ा मत खड़ा करो, ये लोग सुधरेंगे नहीं कभी। जानसू ऑफिस के बाहर सादिक का वेट करती है। उसके आते ही उसे कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मकान मालिक ने निकाल दिया है, प्लीज़ हेल्प करो। सादिक कहता है कि मेरे बॉस को तुमने धोखा दिया, मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा, जाओ यहाँ से। और वैसे भी यिल्दिज़ प्रेगनेंट है, उनको अगर तुमने तंग किया तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। वह सादिक एकदम उम्दा परफॉर्म किया है ये बात बता के तुमने। जानसू गुस्से में खुद से कहती है कि इनकी खुशी मैं बर्बाद करूँगी। इमेजिन सिर्फ जुनैद को पाने के लिए शहर में कंगली घूम रही है जानसू। सादिक हसन को खबर करने आता है, वो औरत जो हमारी पड़ोसी है वो एनिमल एक्टिविस्ट है, यानी जानवरों को बचाती है हैवानों से। वो अपनी पूरी टीम लेके आ गई है हमारे घर पे, जो कि टीवी में शो हो रहा है। सादिक और हसन घर को निकलते हैं। सादिक उनकी रिसर्च करता है, सबके सब एक से बढ़कर एक एक्टिविस्ट है। फिलहाल यही पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही थ्रिलिंग होगी, तो चलती हूँ फिर, बाय।